बाकी सारे डर जाते ने। प्रेत प्रीतम सिंह हिलेगा नहीं। वो बाकी सारे बेचारे डरे हुए सी, विच एक बोल ही पिया कहिंदे सर प्रीतम सिंह तो अज आया ही नहीं छुट्टी दे जी। नहीं आया तो क्या हुआ, फिर भी नहीं हिलेगा। कहता जी कहता हूं मुंह निकल गया तो बस ठीक है। कहते प्रेत सारे ने चुक लिया, एक बेचारा डर गया नवा नवा आया सी, उन्हें इधरला चुक लिया, हुण एक ने इधरला चुकया, वह कट्ठे आए दोवें चुके। कहिंदा कौन है जो दोनों पांव उठा के खड़ा है। हस बे चला जी इन्ना ही करते ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू बेटा। और जिहड़ी लास्ट ते मकसद लई कट्ठे होए आ वह गल जरूर याद रखियो, मंच तों हुणे कहा भी गया कि अपना दर्द सारिआं नूं महसूस भी हुंदा, सुणाउणा भी आउंदा, जताउणा भी आउंदा, पर जिंदगी ता ही तुहाडी संपूर्ण है जे दूजे का दर्द भी समझो, दूजे के दर्द नूं इत्थे महसूस करके देखो ठीक है। और ब्लाइंड वॉक दे विच तुसी सारे अज आए हो बच्चे, अज ये नहीं कि तुसी एक ड्रिल कीती और चले गए। जे इस पेन नूं महसूस करना है, हालांकि तुहाडे चो करदे भी होणगे कई, मैं भी करदा रहा हुण भी कई वारी कर लईदा, उस दर्द नूं महसूस करन लई कदी घर दे हनेरे च बिना बत्ती जगाए चल के बाहर जायो, गेट तक जाके देखियो, कदे अपने कमरे चो निकल के दूजे कमरे च अखां बंद करके जाण दी कोशिश करियो, हनेरे दे विच टोह के तुरन दी कोशिश करियो, एकदम वह चीज़ां समझ आ जांदियां जिहड़ियां कई बारी पूरे वड्डे वड्डे दो दो घंटे दे लैक्चर चो सुन के समझ नहीं आंदियां ना, समझ आ जांदी कि कुछ लोग साडे नाल दे ने वह किस तरह की मुसीबत दे विचों निकल रहे ने, किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे ने। पर मैं उन्होंने भी कहना कि बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि परमात्मा ने जे दो नेत्र लए ने ते तुहाडा असली नेत्र जिहड़ा तीजा नेत्र सी तुहाडा वह खोल दिता, जिहड़ा साडे वर्गे जम के मर जांदे ने पर तीजा नेत्र नहीं खुलदा, तुहाडा रब ने ओह नेत्र खोल के भेजिया हमेशा। जगबन टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है दोस्तों। सैक्टर 17 दे विच ब्लाइंड वॉक करवाई गई, तस्वीरां तुसीं देख सकते हो, मौके दीआं तस्वीरां तुहानूं दिखाउने आ। ते इत्थे जो पंजाब दे स्पीकर विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा दे वाइफ ते पंजाबी अदाकार गुरप्रीत घुग्गी ते नाल ही पंजाबी गायक हरभजन मान समेत होर भी कई शख्सियतां पहुंचियां सन। ते जदों इत्थे जो बच्चे इत्थे पहुंचे हुए ने ब्लाइंड वॉक दे लई ते उहनां दे वल्लों जदों इत्थे शमूलियत कीती गई तां गुरप्रीत घुग्गी हुणां ने अपने ही वक्खरे अंदाज़ दे नाल इत्थे मौजूद बच्चों नूं मोटीवेट कीता। उन्होंने सब तो पहला शुरुआत पंजाबी दे विच कीती, अपने जो उन्होंने स्पीच देनी सी ते बड़े ही वधिया ढंग दे नाल आख्या कि वो पंजाबी दे विच ही बोलना बेहतर समझणगे, ते नाल ही उन्होंने कहा कि जिहड़ा चंडीगढ़ है वह पंजाब दे पिंडां नूं ढाके बनाया गया सी ते इसलिए वह उस चीज़ का दर्द भी समझते ने, ते उसे चीज़ तो उन्होंने उस दर्द तो अपने स्पीच की शुरुआत की ते बच्चों नूं किस तरह मोटीवेट किया, आओ आपां सुनदे आं। बेहिम्मते ने जिहड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, बेहिम्मते ने जिहड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। इहदा अगला शेर तुसीं कदे सुनिया नहीं बेटा, मैं फिल्म च बोलिया जां होर हुण स्टेजां ते भी लोग बोलदे ने तां तुहाडे तक पहुँच गया। इदों अगली जिहड़ी इहदी अगला शेर है वह इदों भी वड्डा कीमती शेर है। कहिंदा मंजिल दे मत्थे दे उत्ते तख्ती लगदी उहनां दी, एवें नहीं तुहाडे ऑफिस के बाहर एयर मार्शल पी एस गिल लिखिया होंदा ना ऑफिस के बाहर, जनरल साहब एवें नहीं बाहर लिखिया होंदा, इदां ही तुहाडी मंजिल के उत्ते तुहाडे नाम की तख्ती किदन लगेगी। जिन्ने तुसीं बैठे हो बच्चे वो लगनिया ने, हो सकदा तुसीं सानूं उदों कितें बिरधां नूं बजुर्गां नूं कितें कोई कंपनसेशन देने लिए आए हो, चीफ गैसट बन के तो असीं तुहाडे तों अवार्ड लैंदे होईए, भी बड़ा पुराना बजुर्ग है फिल्मां च आउंदा हुंदा सी। तख्तियां लगनियां पर लगनियां किवें, कहिंदे बेहिम्मते ने जिहड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा, मंजिल दे मत्थे दे उत्ते तख्ती लगदी उहनां दी, घरों बना के तुरदे जिहड़े नक्शा अपने सफरां दा। जिहड़े घरों एक प्लैन लैके ब्लू प्रिंट लैके तुरदे ने जाणा किधर नूं है, कित्थे जाणा है। जे प्यो मेरा चाहुंदा सी इहनूं इंजीनियर बनाउणा, मैं नहीं सी बन सकदा, कोई गल नहीं। मेरा प्यो डॉक्टर बनाना चाहता सी, मैं नहीं सी बन सकता, कोई गल नहीं। उन्हां दा ड्रीम सी ना मैनू आर्कीटेक्ट बनाना, मैनू डिजाइनर जो भी बनाना,
पर मेरा एक अपना ड्रीम सी जिन्हों मैं पागलों वांगू फॉलो किया है, जिन्हों मैं पैशन दे नाल नहीं ऑब्सेशन दे नाल फॉलो किया है, जनूनी होकर फॉलो किया है, ते आज मैनू भी मौका मिले मैं तुहाडे नाल मंच तों गल कर रहा, ठीक है ना। ये अग पैदा करनी पैनी बच्चे, अग नहीं कदे जिंदगी चो मट्ठी पैन देनी। जितन स्पार्क लूज कर गए असी, और वो बड़े नलायक बच्चे होंदे ने, नलायक बंदे होंदे ने, गल मेरी याद रखियो, मीडिया भी सारा सुनदा देखदा, जिहड़े रोज फेसबुक ते पाउंदे ने, कई बार सानू भी दसदे असी बहुत माड़े हालातों च लंघ रहे हैं, गरीबी चों साडा तां नहीं कोई बांह फड़दा, ये कोई क्राइटेरिया ही नहीं कि गरीबी च तुहाडी कोई बांह नहीं फड़दा, यही तो संघर्ष है। सूई दे नक्के चों लंघना किहनू कहिंदे ने, अपनी धरती आप सिरजनी पैंदी है। असी खेतों के फसलां बीजते हैं, मूलियां गाजरां बीजते हैं, जंगल दे विच फुल बूटे कौन बीज के आउंदा है, उत्थे फल फ्रूट कौन बीज के आउंदा है, उत्थे हर रुख ने हर बूटे ने अपनी थां अपनाई हुंदी है कि इत्थे मैं उगना। सो किसी नूं कदे तुसी शिकवा नहीं कर सकते, किसी नूं इल्जाम नहीं दे सकते, अपनी लड़ाई जब तक आप नहीं लड़ोगे ना, क्योंकि जरूर। अच्छा एक गल होर याद रखियो, डिसहार्टन भी नहीं होना, हर स्ट्रगल दी हर संघर्ष दा अंत जिहड़ा वो कामयाबी भी नहीं हुंदा, ये भी गल याद रखियो, हर संघर्ष दा अंत कामयाबी ते जाके नहीं मुकदा। जिहड़े लोग, मैं एक एग्जाम्पल फिर आर्मी चो देना, जनाब जनरल साहब इत्थे बैठे ने, ये जनरल दे रुतबे तक गए, ये अज जनरल साहब साडे को बैठे ने, जदों इन्हां ने सैकंड लैफ्टीनेंट लैफ्टीनेंट ज्वाइन किया सी कैप्टन मेजर रैंक ते, परमात्मा उम्र लम्मी करे, पर एक फौजी जवान की हैसियत ना जे देश दे काम आ गए होंदे, तो एक कैप्टन तो बाद इन्हां दा नाम हमेशा कैप्टन दे तौर ते जाणिया जांदा। जरूरी नहीं कि हर संघर्ष तुहानूं इत्थे तक लैके जांदा, तुसीं अपना जीवन अर्पण करन गए सी देश वास्ते, तुसीं इह सोच के नहीं सी गए कि मैं जनरल बनांगा आर्मी च, इह तुहाडी डेस्टिनी लिखदी है तुसीं कित्थे तक जाणा, अंत की है। पर जे कामयाबी ना भी मिले, मेरी गल याद रखो पुत्रो, एक सुकून जरूर मिलता है कि मैं अपना बेस्ट किया, अगों कुदरत की मर्जी, उस गल का मलाल नहीं रहा कि मैं ही हिम्मत नहीं की, ठीक है ना। सो तुहाडे चों चार पांच अठ दस सौ बच्चे अगर अच्छे निकलों, साडे पंजाब वास्ते साडी नेशन वास्ते बहुत वड्डी गल है। और डिसिपलिन जिंदगी जरूर रखना, क्योंकि मैं बैठा ही इस वेले एयरफोर्स और आर्मी के नाल हाँ, तो मैं गल्ला, क्योंकि मेरे फादर साहब भी अटैलरी चुने जी, मेरे डैडी तोपखाने चुने, मेरे डैडी जदों 71 की लड़ाई लड़न गए, मैं मम्मी की उदो एडा क तिना क महीनों का मम्मी की गोदी च, मेरा प्यो लौंगेवाल चौंकी उदो तोपखाने बैठा हुआ। सो मैं बेटे ये दस रहा कि डिसिपलिन भी जिंदगी बहुत जरूरी है, और जज्बा भी। मैं एक गल होर शेयर कर दें, क्योंकि मेरे दिल करता हूँ बच्चों चीज़ा पता हो, एयर मार्शल साहब बोल के गए ने, और तुहानू इस गल का बहुत फखर होएगा, इफ आई एम नॉट रोंग सर, प्लीज़ करैक्ट मी इफ आई एम रोंग, अज तक जिन्हें परमवीर चक्कर हैगे ने साडे देश के वीर जवानों को, एयरफोर्स को अज तक भी कोई परमवीर चक्कर है, एक परमवीर चक्कर अज तक एयरफोर्स को, वह भी अपने लुधियाने के लागे पिंड है, जनाब निर्मलजीत सिंह सेखों साहब के कोल परमवीर चक्कर है। सो दुनिया च लोग, मैं तां दस रहा कि एक एक काम लई भी बने ने, इन्हें कल्ले नहीं यह काम करना सी, कुदरत तुहानू चूज करती है, तुसी अपनी एफर्ट्स लाने। और मैनू पता मैं टाइम ज़्यादा लै गया, संधवा साहब साडे बड़े सत्कारयोग माणयोग स्पीकर साहब साडे भाई भी ने, साडे वीर ने, उन्होंने आना सी, पर उन्हां दी गैर हाजरी च उन्हां दे शरीके हयात पेंशनी गुरप्रीत कौर जी उचेचे तौर पर आए ने। संधवा साहब लिए भी एक तालियां बेटे मार दो, क्योंकि उन्होंने हम सिस्टम के दसिया कि स्पीकर साहब का असली रोल की होंगे विधानसभा, एंड ही इज़ डूइंग एक्सीलेंट, जो भी अच्छा काम करे उन्हें एप्रीशिएट जरूर करना चाहिए। और जिदा दसिया मंच तो भाजी हरभजन मान होना बारे, और मैं बड़ी खुशी है कि असी दोवे ने एको फिल्म तो डेब्यू किया जी आया, मेरी भी पहली फिल्म सी, इन्हों की भी पहली सी, ये फिर एग्जाम्पल है कि चंगे काम की शुरुआत कदे भी हो सकती, उस तो बाद पंजाबी सिनेमा बदलिया जी आयां नूं तो बाद। सो लास्ट ते बच्चों हंसा भी देना, कहना सियाणिया गल्लां करके चला गया, इन्हों नहीं बुला अगली वारी। सो गल मैं डिसिपलिन की कीती सी कि डिसिपलिन तुहानूं पता सिर्फ आर्मी च हुंदा, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ी 100% सिर्फ
डिसिपलिन के गोले के अंदर घिरी हुई उदू बार जा ही नहीं सकती। मैंने डैडी गल्ला सुनाते होंगे आर्मी दियाँ भी जो कहता अफसर ने कहता डैडी कहते पीटी चल रही थी साढ़े पीटी इंस्ट्रक्टर पीटीआई साहब पीटी करा रहे हैं सामने कहते उन्होंने वैसे ही कित उन्हें दबके मारन की आदत होंगी भी एवं ही दबका मार दो बाकी सारे डर जाते हैं प्रीतम सिंह हिलेगा नहीं और बाकी सारे बेचारे डरे हुए बिच एक बोल ही पे कहते सर प्रीतम सिंह तो अज आया ही नहीं छुट्टी दे जी नहीं आया तो क्या हुआ फिर भी नहीं हिलेगा कहता जी कहता हूं मूह निकल गया तो बस ठीक है कहते प्रेट दाया पाओ उठाओ सारे ने चुक लिया एक बेचारे डर गया नवा नवा आया सी उन्हें इधरला चुक लिया हूँ एक ने इधर चुकया वो कट्ठे ही आया दोवें चुके कहता कौन है जो दोनों पाँव उठा के खड़ा है हस बे चलो जी इन्ना ही करते हैं ठीक है सो गॉड ब्लैस यू बेटा और जी लास्ट के मकसद लिए कट्ठे हुए हैं वो गल जरूर याद रखियो मंच तो उन्हें कहा भी गया कि अपना दर्द सारिया नू महसूस भी हुंदा है सुनाउणा भी आउंदा है जताउणा भी आउंदा है पर जिंदगी तां ही तुहाडी संपूर्ण है जे दूजे का दर्द भी समझो दूजे के दर्द नू इत्थे महसूस करके देखो ठीक है और ब्लाइंड वॉक दे विच तुसी सारे अज आए हो बच्चे अज ये नहीं कि तुसी एक ड्रिल की थी और चले गए जे इस पेन नू महसूस करना है हालांकि तुहाडे चो करदे भी होणगे कई मैं भी करता रहा हूँ भी कई बार कर लीद उस दर्द को महसूस करने लिए कभी घर के हनेरे च बिना बत्ती जगाए चल के बाहर जायो गेट तक जाके देखियो कदे अपने कमरे चो निकल के दूजे कमरे च अखां बंद करके जाने की कोशिश करियो हनेरे दे विच टोह के तुरन की कोशिश करियो एकदम वो चीज़ा समझ आ जांदियां जिहड़ियां कई बार पूरे वड्डे वड्डे दो दो घंटे के लैक्चर चुन सुन के समझ नहीं आंदियां ना समझ आ जांदी कि कुछ लोग साढ़े नाल दे ने वो किस तरह की मुसीबत दे विचों निकल रहे हैं किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं पर मैं उन्होंने भी कहना कि बिल्कुल नहीं घबराना क्योंकि परमात्मा ने जे दो नेत्र लए ने ते तुहाडा असली नेत्र जिहड़ा तीजा नेत्र सी तुहाडा वह खोल दिता जिहड़ा साडे वर्गे जम के मर जाते हैं पर तीजा नेत्र नहीं खोलता तुहाडा रब ने वह नेत्र खोल के भेजिया हमेशा सो सारयां दी चढ़दी कला परमात्मा सब का भला करे जिंदाबाद।